नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन बैकलॉग रिक्त पदों के विरुद्ध 2850 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, 2850 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की भर्ती है ये, और इसमें बहुत अच्छी बात है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएँ बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जीएनएम बीएएमएस ये होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट है। 40 वर्ष के बाद में भी 5 वर्ष की छूट, मतलब 45 वर्ष तक ये आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों का विवरण इस प्रकार से हैं, ओपन के 237 पद हैं, ओपन के 237 मेल के हैं, फीमेल के 118 हैं, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के 650 पद, मतलब अनरिजर्व्ड के 355, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के 652 पद हैं, एसटी के 947 हैं, एससी के 266, ओबीसी के 189 है, फिजिकल हैंडीकैप्ड मतलब दिव्यांगजन जिनको कहेंगे वो 49 पद यहाँ पे आए हैं। और इस प्रकार से सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण निर्देश, केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, किसी अन्य स्रोतों के माध्यम से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे। और इस प्रकार से ये जो पद हैं वो निकले हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के। आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक भी दे दूंगा, पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में इसका मतलब प्रवेश दिया जाएगा, 6 माह का कोई एक कोर्स होगा ये, इसमें आप आवेदन देंगे। आवेदन के बाद में इसमें 2850 लोगों को इसमें प्रशिक्षण देने के बाद में इनकी फील्ड में पोस्टिंग की जाएगी, पद स्थापना बाद में की जाएंगी। इस प्रकार ये आरक्षण तालिका है। प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध स्थान दिए गए हैं 2850। प्रशिक्षण दिया जाएगा सीएचओ की भर्ती में, प्रशिक्षण के उपरांत जो है सीटों का आवंटन किया जाएगा, पद स्थापना उसके बाद होंगी। ओबीसी पिछड़ा वर्ग की शेष 441 सीटों का आवंटन माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक वर्ग में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट फॉर सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सिलेक्शन टेस्ट, ये मतलब एक तरीके का सिलेक्शन टेस्ट रहेगा। sams.co.in sams.co.in इस पर जो है आप जाकर जो है इसको आवेदन कर सकते हैं। और शेष ये शैक्षणिक योग्यताओं के लिए आप पीडीएफ फाइल कर डाउनलोड करके इसका डिटेल में देख सकते हैं। इग्नू के माध्यम से सीएचओ के जो सर्टिफिकेट हैं ये दिए जाएंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से। आप इसी प्रकार की अन्य नोटिसेस के लिए बने रहिए मध्य प्रदेश नोटिफिकेशन ऑफ मध्य प्रदेश के साथ में। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस प्रकार से आपके साथ बने हुए हैं, इसी तरीके से एक क्वेश्चन लेके आने की जो हमारी नई परंपरा हमने शुरू की है, आज का प्रश्न आपके लिए मैं इस प्रकार है। सिमलीपाला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये सिमलीपाला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नंबर 1 है महाराष्ट्र, नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नंबर 3 ओडिशा, नंबर 4 छत्तीसगढ़ और नंबर 5 कर्नाटका। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, सही आंसर को अप्रिशिएट किया जाएगा, उसे उत्साहित किया जाएगा। और इसी प्रकार के अन्य जो ये नई शुरुआत की है हम लोगों ने, आपको ये कैसी लगी है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी प्रकार के से आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप आने वाली परीक्षाओं में अच्छी सफलता अर्जित करें, यही नोटिफिकेशन ऑफ एमपी आपके सामने लेके आया है। जय हिंद।